हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनीषा फ्रॉम यूनिक क्लासेस। जैसे कि इस वीडियो में आपको मैं मॉडल करवाने वाली हूँ, ये क्या होते हैं, ये जो एक एज अ वर्ब काम करते हैं। मतलब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये मॉडल होते हैं, मॉडल वर्ब जो होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, इस वर्ड का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब होता है कि स्पेशल सी बात है कि मन की बात, मतलब जिस भी किसी को अगर हमें अपने मन की बात बोलनी है और हमें अगर अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना है और बताना है, तो ये वर्ड उस चीज़ में आइडेंटिफाई करेगा। स्पेशल सी बात है, लाइक टेंस, मोड, ये सारी चीज़ें इसमें शो करता है। जैसे मैंने बोल दिया कि ही कैन स्पीक फोर लैंग्वेज, मतलब वो क्या कर सकता है, वो फोर लैंग्वेज बोल सकता है। लेकिन इसमें जो अगर हम कैन देखें थोड़ी देर के लिए, अगर हम कैन को भूल जाएं, इसका मतलब क्या हुआ, ही स्पीक फोर लैंग्वेजेस, मतलब वो क्या कर सकता है। लेकिन हमने बोल तो दिया ही स्पीक फोर लैंग्वेजेस, लेकिन हमें इसमें ये नहीं पता चल रहा कि वो क्या कर सकता है। एबिलिटी है, परमिशन है, ऑब्लिगेशन है, पॉसिबिलिटी है, एडवाइस है क्या रियल में। अगर हमने यहाँ पर एक वर्ड लगाया कैन लगाते ही हमें सिंपल सी बात है पता क्या चल गया, उसकी एबिलिटी पता चल गई कि वो ये काम कर सकता है। यानी कैन जो है, इसमें कैन जो वर्ड है वो प्रॉपर क्या शो कर रहा है, एक एबिलिटी को शो कर रहा है। तो ही कैन स्पीक फोर लैंग्वेजेस। सबसे पहले हमें इसमें कुछ की टर्म्स होते हैं, जो मेन वर्ड जो यूज़ किए जाते हैं, उनके मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने फर्स्ट आपको बोला कि एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। सेकेंड वन जो है हमारा परमिशन, परमिशन का मतलब होता है कि अनुमति। ऑब्लिगेशन, इसका मतलब होता है दायित्व। नेक्स्ट वन जो है हमारा वो है पॉसिबिलिटी, जिसका मतलब होता है संभावना। एडवाइस, इसका मतलब होता है सलाह। हमने इन वर्ड्स के मीनिंग जान लिए, ये जान लिया कि हमारा मॉडल वर्ब होता क्या है और कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, तो अब मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले देखो, इनके वर्ड जो प्रॉपर मैंने आपको बताया है, कैन, इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि एबिलिटी शो करता है, मतलब वो काम कर सकता है। नेक्स्ट जो है हमारा, अगर हम कुड बोले तो कुड का मतलब क्या होगा कि कैन का जो है वो पास्ट है, लेकिन इसका मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि सका पाया, मतलब वो काम कर सकता था, ये थोड़ी सी पास्ट की जो है एबिलिटी वो शो करेगा। नेक्स्ट वन जो है हमारा वो है कुड हैव, इसका मतलब होता है कुड हैव, मतलब कुड तो हमारा किस चीज़ में जा रहा है, पास्ट टेंस में जा रहा है, इसका मतलब कर सकता था। शुड, इसका मतलब होता है चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा वो है शुड हैव, इसका मतलब हैव लगते ही मतलब हमारा हो गया चाहिए था। नेक्स्ट जो है हमारा मस्ट, ये चीज़ जो है मस्ट और जो कैन है, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये दोनों जो है परमिशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मस्ट का मतलब होता है कंपल्शन, मतलब ये काम करना ही करना है। कैन जो है वो एबिलिटी को शो करेगा, मस्ट मतलब कंपल्शन को शो करेगा। मस्ट हैव लगते ही चाहिए था। नेक्स्ट जो है ऑट टू, इसका मतलब होता है चाहिए। ऑट टू मेन कहाँ पर यूज़ होगा, ऑट टू जो यूज़ होगा वो यूज़ होगा ड्यूटी के लिए। नेक्स्ट जो है ऑट टू हैव, जहाँ जहाँ पर हमने हैव लगाया, वहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या देखा कि वहाँ पर हमने था लगा दिया। अब यहाँ पर ऑट टू हैव, इसका मतलब क्या होगा, चाहिए था। नेक्स्ट जो है हमारा मे और माइंड, ये भी की टर्म है, इसका मतलब भी क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हमारे कुछ चीज़ की, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी हो। माइट जो है वो बहुत कम, लेस जो है पॉसिबिलिटी वो शो करता है, सकता है। अगर हमने इनके साथ लगा दिया मे माइट है, इसका मतलब होता है सकता था। हैज टू और हैव टू, मतलब करना पड़ता है। लास्ट हमने बोला हैड टू, हैड टू लगते ही क्या हो गया, ये पास सेंस में चला गया, पास में लगते ही करना था। नेक्स्ट जो है विल हैव टू, इसका मतलब आपको ये काम करना होगा। तो हमने स्टूडेंट सबसे पहले जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं मॉडल वर्ब में, हमने उनके प्रॉपर मीनिंग के बारे में जाना कि इनका मीनिंग क्या होता है। जब तक हमें इनके मीनिंग नहीं पता होगा, तो हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, ओ यहाँ पर कैन लगाएं या शुड लगाएं। जैसे ऑब्लिगेशन, मान लीजिए किसी हमारे किसी कर्तव्य के बारे में बताया गया है, यू शुड पे अटेंशन, तुम्हें अटेंशन करनी चाहिए। लेकिन अगर हमने कैन बोल दें तो कैन क्या आ जाएगा, कैन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि मैम ने हमें बताया था कैन जो है वो एबिलिटी के लिए शो होता है, शुड जो है वो ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले मैं कैन, कुड, इनके यूज़ बताने से पहले मैं आपको दो बातें बताऊँगी, सब स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से नोट डाउन करेंगे कि वो है क्या। मान लीजिए हमने कोई भी, ये जो हमारा ये एक सेंटेंस जो फ्रेम करते हैं हम, उसमें मेन वर्ब का काम करता है। अगर हमने अपने सेंटेंस में बोल दिया यू शुड डू योर सेल्फ, ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम बोल दें कि इनको चेंज करना है हमें,
लेकिन ये कभी भी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, मान लो अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में दे रखा है तो हम पास्ट और फ्यूचर में चेंज करेंगे तो ये जो है हमारा रूल बिल्कुल गलत हो जाएगा। इससे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो हमारे क्वेश्चन है वो गलत हो जाएंगे। लाइक जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, यू कैन स्विम, हमने ये तो बोल दिया। अगर हम यहाँ पर लगाते यू कैन स्विम, अगर हमने कैंस लगा दिया या फिर डू और डज इसके साथ यूज कर दिया क्योंकि वो खुद ही एबिलिटी शो कर रहा है, तो यहाँ पर हमें डू और डज लगाने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अगर हमने इनके साथ मान लीजिए यहाँ पर डू डज डिड लगा दिया तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जैसे मैंने बोल दिया कि यू शुडंट स्मोक, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, मैंने उसको सजेशन दिया है कि भाई तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं बोलूँ यू डोंट शुड स्मोक, इसका मतलब क्या है कि मैंने डोंट भी लगा दिया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को भी शुरू कर दिया और शुड भी लगा दिया, तो ये बिल्कुल सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया स्टूडेंट। इसलिए बिल्कुल ध्यान से नोट डाउन करना, हमें डू डज डिज नहीं लगाना है, सिर्फ जो हमारे ये मॉडल वर्ब है ये यूज करने हैं। लेकिन हम कैन क्यों नहीं यूज कर सकते यहाँ पर, क्योंकि मेन बात क्या है, ये चीज जो शो करते हैं वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए शो किए जाते हैं। जैसे हम अभी खुद के एग्जाम्पल देखें कि कहाँ कहाँ इन्हें यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूज़ किया जाता है पावर के लिए, सेकंड जो है वो एबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब जो ये पास्ट टेंस जो है पावर है वो शो करता है, एबिलिटी शो करता है, पोलाइट रिक्वेस्ट भी बताता है, पॉसिबिलिटी भी बताता है और पास्ट जो है वो कैन का है ही। अगर हम इसे एक फ्रेज में देखें या फिर उसको नरेशन में देखें कि कैसे कैसे कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, मैं आपको तीन टाइप से बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारा अफर्मेटिव, इसका मतलब क्या होगा, बिल्कुल साधारण सिंपल। सेकंड नेगेटिव, जहाँ पर हमारा नॉट लगे। लास्ट वन जो है हमारा इंटरोगेटिव। अब हमें को यूज़ कैसे करना है कि कुड, अगर हमने मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में बिल्कुल बीच में मिड में ले आ जाते हैं तो वो अफर्मेटिव हो जाता है, अगर नॉट लगा देते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है, अगर कुड को हम स्टार्टिंग में यूज़ कर देते हैं तो वो इंटरोगेटिव हो जाता है। लेट्स सी एग्जांपल, हम सबसे पहले एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। लाइक जैसे फर्स्ट एग्जांपल बोला मैंने, इफ़ ही कुड प्ले फुटबॉल, मतलब उसने मुझसे पूछा, आई आस्क हिम, मैंने उससे पूछा कि इफ़ ही कुड प्ले फुटबॉल, क्या वो कर फुटबॉल जो है वो खेल सकता है। कुड जो है इसमें कहाँ पर आया है, बिल्कुल मिड में आया है, इसका मतलब हमारा ये सेंटेंस क्या हुआ, अफर्मेटिव। सेकंड, ही कुड सिंग वेल, मतलब वो क्या कर सकती है, वो क्या कर सकता है, अच्छा गाना गा सकता है, तो इसका मतलब कुड भी हमारा इसमें भी क्या हुआ, मिड में आया है, तो ये सेंटेंस भी हमारा क्या हुआ, अफर्मेटिव। सेकेंड वन जो है, कुड यू स्पेयर टाइम फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए टाइम निकाल सकते हो, तो कुड जो हमारा वो क्या यूज़ हो रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज़ हो रहा है, तो ये क्या शो हुआ, इंटरोगेटिव। कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, अब हम ये भी बोल सकते थे कि कैन यू प्लीज़ ओपन द विंडो, इसका मतलब क्या है कि वो अगले पे डिपेंड करता है कि वो करेगा या नहीं करेगा, लेकिन कुड जो है बिल्कुल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए लगाया जाता है, कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, मतलब वो अगला बंदा अगर नहीं करना चाहेगा ना तो फिर भी आप कितनी पोलाइट रिक्वेस्ट करने के बाद कहेगा, वो इतनी पोलाइट रिक्वेस्ट कर रही है, चलो बंद ही कराता हूँ, वो ओपन द विंडो खोल लिया था। कुड आई गिव यू अ लिफ्ट, क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। When I was younger, I could rent a mic. मतलब अब इसमें देखो कौन सा है, पावर, एबिलिटी, रिक्वेस्ट या पॉसिबिलिटी, क्या शो की गई है कि उसके पास्ट की बात की गई है कि वो जब यंगर था तो वो क्या कर सकता था, हमारे तक चल सकता था। Yesterday I could not find my wallet. ये एक पास्ट की चीज शो की गई है कि yesterday I could not find my wallet, I could not find my purse, I could not find my pen. कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर not लगा तो not लगते ही क्या चीज शो हो गई, negative शो हो गई। Next जो है हमारा last year, he could not speak well. Last year क्या था, वो क्या नहीं कर सकता था, वो बोल नहीं सकता था, क्या नहीं कर सकता था, अच्छे से बोल नहीं सकता था। लास्ट ईयर ही कुड नॉट स्पीक वेल, लास्ट ईयर ही सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग। अच्छा अब यहाँ पर स्टूडेंट सैड लग गया, ये लगते ही हमें क्या पता चला, जो हमारा सेंटेंस है वो नरेशन में है, यानी कि जो मैंने अभी आपको करवाई नहीं है, मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको करवाऊंगी नरेशन, तो नरेशन में भी हम क्या यूज करते हैं, कुड को यूज करते हैं, तो ये भी हमारा क्या हुआ, एक अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। लास्ट जो है हमारा वो है अंकित सेड दैट लगते ही ये भी एक नरेशन जो है उसमें भी हमने कुड को यूज किया, ही कुड प्ले अ गिटार, वो क्या कर सकता है, वो गिटार से खेलता था।
अगेन अंकित सेड दैट ही कुड प्ले अ गिटार. स्टूडेंट को क्या करता था, गिटार जो है वो बजा सकता था. ओके स्टूडेंट, लेट्स टॉक अबाउट फ्लूट. हम अब किस के बारे में बात करेंगे, फ्लूट के बारे में. फ्लूट जो होता है वो क्या होता है, वो शेर का सेड का पास्ट होता है. ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम यूज करेंगे एडवाइस के लिए, सेकेंड टू एक्सप्रेस फ्यूचर इन द पास्ट टेंस, यानी शेर का जो पास्ट होता है मैंने अभी बताया वो शुरू होता है. नेक्स्ट जो है वो ड्यूटी के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, टू एक्सप्रेस आवर एडवाइस और सजेशन, और सरप्राइज के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, शुड यूज करेंगे. जैसे हम इसमें भी तीन चीज वही सेम होगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव और थर्ड वन जो है हमारा वो होगा इंटरोगेटिव. फर्स्ट जो हमारा इसका लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल, यू शुड गो होम नाउ, तुम्हें अभी की अभी क्या करना चाहिए, घर जाना चाहिए. अगर हम यहाँ पर कैन लगाएं तो इसका बिल्कुल जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा. यू कैन गो होम नाउ इसका मतलब क्या तुम घर जा सकते हो. अगर हमने लिखा यू शुड गो होम नाउ इसका मतलब तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी चिंता हो गई होगी, तुम्हें जाना चाहिए. तो शुड लगाते ही हमारा जो सेंटेंस का मीनिंग है, सेंटेंस फ्रेम है, वो टोटली चेंज हो गया. नेक्स्ट जो है हमारा वो है यू शुड टॉक टू योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए. यू शुड नॉट टॉक वाइल टॉकिंग मतलब तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, वाइल ईटिंग. सो स्टूडेंट जब तुम खाना खा रहे हो तो तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए. शुड आई लिव नाउ क्या मैं जा सकता हूँ. यू शुड नॉट टेल हर व्हाट यू थिंक मतलब तुम्हें वो चीज़ नहीं बतानी चाहिए जो तुम सोचते हो. ओके स्टूडेंट, जो उसके और पार्ट्स रह गए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई थिंक आपको मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें. थैंक यू सो मच, बाय.